तो देखो यार, अगर तुम्हें सच में कोई ऐसी मूवी चाहिए जिसमें तुम्हें अच्छा खासा सस्पेंस एंड थ्रिलर देखने को मिले, तो ट्रस्ट मी तुम्हारे लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 5 ऐसी मूवी सेलेक्ट करी है जिसमें तुम्हें अच्छा खासा सस्पेंस एंड थ्रिलर देखने को मिलेगा। और ये 5 मूवी पहले मैंने खुद देखी, उसके बाद में तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गूगल या यूट्यूब पे गए, वहां से सर्च करके मूवी निकाल के तुम्हें बता दी, वैसा आइडिया बुरा नहीं है। तो देखो यार, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, तो लेकिन अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो पहली मूवी है वो है विक्रांत रौना। ये एक साउथ की मूवी है जो भी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई। इस मूवी में तुम्हें अच्छा खासा सस्पेंस है, मूवी में काफी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट में तुम्हें इस मूवी का प्लॉट समझाऊं, तो इसमें एक विलेज है जहां पे लोग मरने लगते हैं धीरे धीरे करके, तो उसी की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम है विक्रांत रौना, जो इस मूवी के मेन हीरो हैं। तो उसके बाद वो यहां पे आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसी बीच तुम्हें काफी ज्यादा इस मूवी में ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मूवी में काफी अच्छा खासा सस्पेंस है। और मूवी के मिड में तुम्हारा एक टाइम पे ऐसा भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा जहां तुम सोचोगे ये विक्रांत रौना एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन करने आए या फिर ये सब यही करवा रहा है, और हो सकता है कि एंडिंग में तुम्हें मूवी थोड़ी समझ ना आए क्योंकि थोड़े ज्यादा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगी। और ये देखते अच्छा लगा कि मूवी में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है। मूवी में अगर तुम्हें सस्पेंस एंड थ्रिलर और ट्विस्ट चाहिए तो ये मूवी काफी बढ़िया है। तो जो सेकंड मूवी है वो है द वेलिंग। और इस मूवी में मुझे सबसे बढ़िया लगा वो था जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस मूवी ने एक हॉरर प्लॉट पकड़ के रखा था ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इस मूवी में तुम्हें सस्पेंस, थ्रिलर एंड हॉरर देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन की बात करूं तो इसमें भी थोड़े बहुत विक्रांत रौना से सिमिलर ही है। इसमें भी एक विलेज होता है जहां पे लोग मरने लगते हैं, बट मरने से पहले उनकी बॉडी में रैशेस आते हैं एंड उसके कुछ दिनों बाद वो मरते हैं, और मरने से पहले वो अपनी फैमिली को भी मार देते हैं। और मूवी में असली मजा तब आता जब सेम चीज जो मेन हीरो है इंस्पेक्टर इस मूवी के, उनकी बेटी के साथ जब सेम चीज सेम बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं, उसके बाद जो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब जो मजा आता है, जब पता चलता है एक्चुअल में जो ये सब करवा रहा है वो करवा कौन रहा है। इसकी भी एंडिंग में तुम्हें बताऊं तो तुम्हें ऐसे आसानी से समझ नहीं आएगी। मेरे को एक बारी में मूवी की एंडिंग समझ नहीं आई थी कि एक्चुअल में था कौन, पर हाँ जब तुम इस मूवी को देख रहे होंगे तो तुम वो फील कर पा रहे होगे, वो हॉरर इफेक्ट जो इस मूवी से तुम्हें मिल रहा होगा। इस मूवी को जब तुम देखोगे तो तुम्हारा एक्चुअल में अच्छा खासा इंटरेस्ट बना रहेगा मूवी में, और जो तुम्हें हॉरर वाइब मिल रही होगी इस मूवी से काफी बढ़िया है। इस मूवी को तुम एक बार जरूर देखना, ये कोरियन मूवी है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो तुम इसे हिंदी में भी देख सकते हो। तो जो थर्ड मूवी है वो है शटर आइलैंड। ये मूवी जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने वाली है ना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें मूवी में दिमाग लगाना पड़े, लेकिन हाँ इस मूवी की तुम्हें एंडिंग समझ नहीं आने वाली, मेरे को भी अब तक नहीं आई, क्या पता तुम्हें आ जाए। देखो यार, मूवी के एंडिंग में तुम्हें दो एंगल देखने को मिलेंगे, और हम उनमें से कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ये सोचने में तुम्हें मजबूर कर देगी ये मूवी। यही समझ नहीं आता कि कौन से एंगल से सोचे, ये सही बोल रहा है या फिर ये, वो तो मूवी देखना तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यार, मैं तुम्हें मूवी का शॉर्ट में प्लॉट समझा दूं। पहले बात तो मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क रुफेलो देखने को मिलेंगे तुम्हें। तो बेसिकली मूवी में होता क्या है, एक प्रिजन हॉस्पिटल होता है जहां पे इनसेन क्रिमिनल्स को रखा जाता है, और उन्हीं में से एक दिन एक प्रिजनर गायब हो जाता है, तो उसी की इन्वेस्टिगेशन में दो US मार्शल को बुलाया जाता है जो होते हैं अपने टेडी डैनियल और चक। और जब ये वहां पे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद जो तुम्हें सस्पेंस और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे भाई, नेक्स्ट लेवल है वो। मतलब जो उस हॉस्पिटल के इंचार्ज या फिर ऑनर है वो टेडी डैनियल मतलब लियोनार्डो डिकैप्रियो को कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं कि पूरी मूवी पलट जाती है। अब मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता वो क्या है, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हाँ उसके बाद जो मूवी ट्विस्ट लेती है और जो तुम्हारे दिमाग में लगेगी कि भाई ये क्या हो गया, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मूवी देखते समय तुम थोड़े बहुत बोर भी हो सकते हो बीच में, बट जब तुम मूवी को एंड करोगे तो मूवी काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी, और जो एंडिंग होगी वो तुम्हें इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। और मूवी की क्वालिटी तुम्हें थोड़ी सी लो सकती है आपके कंपैरिजन में, क्योंकि मूवी थोड़ी सी पुरानी है, बट ऑल ओवर मूवी काफी बढ़िया है। तो जो फोर्थ मूवी है वो है नोबडी। तो देखो अगर तुम जॉन विक मूवी के फैन हो तो डेफिनेटली तुम्हें ये मूवी भी काफी बढ़िया लगने वाली है, क्योंकि तुम्हें दोनों ही मूवी में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। जो जॉन विक का फर्स्ट पार्ट था उससे मैं इस मूवी को कंपेयर कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी करिए, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दोनों मूवीज में है। और जॉन विक और इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर, उन दोनों में भी काफी ज्यादा तुम्हें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने कहा था अगर तुम जॉन विक के फैन हो तो तुम्हें ये मूवी पसंद आएगी। तो देखो यार, इस मूवी में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सस्पेंस एंड थ्रिलर भी मूवी में देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं इस मूवी का बस वाला सीन याद रखना, मुझे काफी पर्सनली काफी बढ़िया लगा वो सीन। तो देखो यार, अगर तुम जॉन विक मूवी के फैन हो और साथ ही साथ तुम्हें कोई ऐसी मूवी भी चाहिए जिसमें तुम्हें एक्शन के साथ सस्पेंस एंड थ्रिलर भी देखने को मिले, तो इस मूवी को तुम डेफिनेटली वॉच करना, काफी ही उसके लिए बढ़िया मूवी है। तो जो फिफ्थ मूवी है वो है एस्केप रूम। तो देखो यार, ये मूवी मैंने कुछ सालों पहले देखी थी और ये मूवी मुझे आज भी काफी बढ़िया लगती है, और इसकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी है। तो मूवी का मैं तुम्हें शॉर्ट में प्लॉट समझाऊं तो इसमें 5 स्ट्रेंजर को पजल बॉक्स दी जाती है, और जैसे वो उन्हें सॉल्व करते हैं उन्हें इनविटेशन मिलता है एक स्केप रूम का, और जब वो 5 के पास स्ट्रेंजर उस स्केप रूम में पहुंचते हैं और अगर वो उन स्केप रूम में से स्केप कर लेते हैं तो उन्हें कुछ मनी प्राइज भी मिलेगा विन प्राइज में। और जब वो 5 के पास स्ट्रेंजर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें 5 रूम में से स्केप करना है, और अगर वो किसी भी रूम में से स्केप नहीं कर पाए तो वहां की जो पेनल्टी होती है वो होती है डेथ। उसके बाद जो मजा आता है मूवी में, जिस तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं, क्या
होता है, एंडिंग में कितने लोग बच पाते हैं, पांचों में से क्या पांचों निकलते हैं, वो मूवी में देखना। मूवी में अच्छा खासा थ्रिलर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ पांच ऐसी मूवीज जिनमें तुम्हें अच्छा खासा सस्पेंस एंड थ्रिलर देखने को मिलेगा। तुम ये पांचों के पांच वॉच कर सकते हो, तुम्हें मूवी तो बेकार नहीं लगेगी, काफी बढ़िया मूवीज है। वीडियो के नीचे तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, एंडिंग में भी बोल रहा हूं, अगर यहां तक हो तो कर ही देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।